हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे आप किस तरह से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक यानी कि सेम बैंक में किस तरह से आप मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे और बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए हुए। इसमें कोई भी बेनिफिशियरी को ऐड नहीं करना है, तुरंत आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना ऐड किए हुए। किस तरह से करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो आप अंत तक पूरा देखेंगे। अगर आप झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किए हैं तो किस तरह से उसको एक्टिवेट किया जाता है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर मिल जाएगा, वो वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल में इंस्टॉल है, इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो एम पिन बना हुआ है, एम पिन यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो देखिए ये एम पिन यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, अब ये ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग का डैशबोर्ड है यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे ऊपर देखेंगे तो अकाउंट नंबर यहाँ पर मिलेगा, अवेलेबल बैलेंस यहां पर आप देख सकेंगे। तो हमको यहां पर मनी ट्रांसफ़र करना है, तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से हमको झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए। यहां पर आप देख सकते हैं क्यूब ट्रांसफ़र है, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपका सेम बैंक है तो विद इन बैंक क्यूक ट्रांसफर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका कितना अकाउंट है यहाँ पर आप देख सकेंगे, जो अकाउंट से आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, जिसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं उसके अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना है। इसलिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर दिए, नीचे कंफर्म अकाउंट नंबर यानी कि जो अकाउंट नंबर अभी टाइप किए उसे कंफर्म करना है। तो फिर से हम दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। तो देखिए दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, अब अमाउंट यहां पर टाइप करेंगे कि कितना अमाउंट हमको भेजना है। तो चलिए यहां पर अमाउंट हमको 9000 रुपये भेजना है, तो यहां पर 9000 रुपये टाइप करेंगे। यहां पर आप नीचे देखेंगे तो पर डे लिमिट यहां पर 10000 रुपये है, तो यहां पर आप 10000 से अधिक नहीं भेज सकते हैं, आप अपना लिमिट चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 9000 रुपये टाइप करेंगे। उसके बाद रिमार्क्स यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस कारण से मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक ऑप्शन को। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जिसका अकाउंट नंबर टाइप किए हैं उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर लिखा हुआ तो नेम यहाँ पर दिखाई देगा, तो सेम बैंक है इसीलिए नेम यहाँ पर आ जाता है। तो आप नेम को मिला लेंगे, नाम सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पर डालना है, जो मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पिन है उसे यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर पिन डाल देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन डाल दिए हैं, अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैसे हैं 9000 रुपये ये बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है और मेरे अकाउंट से 9000 रुपये कट गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के द्वारा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सेम अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए हुए। उसके बाद आप यहां से शेयर भी कर सकते हैं किसी को, व्हाट्सएप में, ईमेल में, आप जहां शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।